ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। तो कांग्रेस ने रायपुर में पत्रकार वार्ता ली, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने संबोधित किया। बलौदा बाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता रखी और पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भिलाई विधायक यादव को पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तार किया है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कलंक को छिपाने के लिए कांग्रेस पर बेवजह आरोप मढ़ रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, दुर्भावनापूर्वक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो बीजेपी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से लेकर पूरे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम का अरेंजमेंट कर रहे थे, ज्ञापन देने से लेके भड़काऊ भाषण से लेके भड़काऊ मीडिया में दिए हैं, वो जिला अध्यक्ष, उनका फुटेज सबके पास है, उनको पहले आप नोटिस दीजिए। क्या आपने नोटिस दिया? उन्होंने कहा नहीं दिया। क्यों? मैंने कहा वहां भी आप उनको नोटिस जारी करिए, देवेंद्र यादव को मैं लेके आने की जवाबदारी मेरा है बलौदा बाजार में। पुलिस चुप, फोन करते रहे सीएम हाउस हर 10 मिनट में, हर 20 मिनट में, अध्यक्ष जी बैठे हैं कैसा करना है, निर्देशित आता रहा वैसे करते रहे। हमने तो कहा देवेंद्र यादव है घर में, कोई ये तड़ी पार नहीं है जो दीवार तोड़ के भाग जाए। चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, डरने वाला नहीं है ना कांग्रेस पार्टी, डरने वाली नहीं है। हम कहते रहे नोटिस दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, नहीं दिए, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कितने लोग शामिल थे उसको लिस्ट दीजिए आप, कांग्रेस के लोग कितने शामिल थे उसको लिस्ट दीजिए। कांग्रेस के अगर लिस्ट अगर कोई शामिल है उनको लाने का जवाबदारी मेरा है, मैं बलौदा बाजार लेके आऊंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिम्मत है कि अपने शामिल जो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नोटिस दे और उनको बलौदा बाजार लेके जाए? मैं देता हूं चुनौती। हमारे नेता भाई देवेंद्र यादव को घटना में ज्ञान पूछने के आपको आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारे को उन्होंने बाद में जो करते थे आपका हमारा जो विश्वास है उसे आंदोलन कर दिया है। हम सब लोग सरकार की निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरीके से यादव के साथ है। मैंने उनसे बात की, सबसे मैं रायपुर में था और प्रयास कर रहा था कि ऐसी घटना ना हो, इन घटना को रोका जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।